नमस्कार कक्षा 9, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एक ही आधार पर आकृतियां। देखिए, ये हमारे पास एक रेखाखंड है AB, इसे आधार मानकर हम इस पर अलग अलग आकृतियां बनाकर देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इस AB आकृति पर ही एक समलंब चतुर्भुज ABCD बनाया है। अब हम किसी और रंग का पेन का प्रयोग कर इसी AB बेस पर यानी आधार पर एक इस प्रकार से आकृति खींचते हैं, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है ABEF। और इसी प्रकार से बच्चों, हम इसी AB बेस पर एक त्रिभुज भी बना सकते हैं इस प्रकार से, जिसका नाम होगा त्रिभुज PAB। तो बच्चों, आपने देखा कि एक ही आधार AB पर हम विभिन्न कई प्रकार के चतुर्भुज या त्रिभुज या कुछ भी आकृतियां बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो AB बेस पर ही इस प्रकार से एक आयत भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सभी में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये सभी आकृतियां अलग अलग हैं। AB इस आयत का नाम हम रख देते हैं YZ, तो ABYZ एक आयत है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABP एक त्रिभुज है, ABEF एक समांतर चतुर्भुज है। इन सभी में बच्चों क्या बात कॉमन है? कॉमन ये है कि इन सभी का ही आधार AB है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि एक ही आधार पर कैसे हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं, परंतु हमारा आज का जो टॉपिक है इससे एक कदम आगे है। वो ये है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम दो समांतर रेखाएं खींचकर देखते हैं। देखिए, ये हमने एक समांतर एक रेखा खींची और इसी के नीचे एक और रेखा खींची है। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से मान लीजिए इसमें, जैसे हमने यहां पर AB एक बेस लिया था, आधार लिया था, या मान लीजिए यहां पर भी हम एक रेखाखंड PQ लेते हैं। तो बच्चों, आइए हम PQ को अंकित करें। ये हमने PQ बेस लिया है, PQ आधार ले लिया है। अब हमें देखना है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां, यानी जो भी आकृतियां होंगी वे इस आधार पर होनी चाहिए और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में होनी चाहिए, यानी जो जो भी आकृति हो उसके जो बिंदु होंगे वह अब इस समांतर रेखा जो है इस पर होने चाहिए। मान लीजिए ये रेखा L है, ये रेखा M है, तो L रेखा पर तो PQ बेस है, आधार है, M रेखा पर अब बाकी बिंदु होने चाहिए। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैं यहां एक बिंदु लेता हूं T। यदि मैं T को P के साथ जोड़ दूं और T को Q के साथ भी जोड़ दूं, तो देखिए इस आधार PQ पर और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में यह एक त्रिभुज बन गया TPQ। बच्चों, यदि मैं इसी आधार PQ को लेकर और PT के समांतर यहां एक और रेखा खींच दूं, तो अब यह मेरे पास TPQ
पी क्यू और मान लीजिए यह बिंदु है एक्स, तो टी पी क्यू एक्स यह मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। यदि हम चाहें तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से मैं एक रेखा इस प्रकार से खींचता हूं जो कि यहां मान लीजिए बी बिंदु पर मिलती है और एक रेखा मैं यहां से इस प्रकार यहां खींच देता हूं जो कि एम रेखा को सी बिंदु पर काटता है। तो बच्चों देखिए इसी आधार पी क्यू पर हमारी एक और आकृति आ गई है पी क्यू सी बी, जिसमें यह इसके समांतर है परंतु क्यू सी और बी पी आपस में समांतर नहीं है। तो यह बन गया पी क्यू सी बी, यह एक समलंब चतुर्भुज बन गया है। बच्चों यदि हम चाहें तो देखिए इसी पी क्यू का आधार मानकर हम इस प्रकार से एक आयत पी क्यू, यदि इसका नाम हम रख दें के और इसका नाम रख दें जे, तो हमारे पास देखिए पी क्यू के जे, जिसमें ये सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तो यह एक आयत बन जाएगा। तो बच्चों आपने देखा दो समांतर रेखाएं हैं M और L, और इसी आधार PQ पर हमने कितनी सारी अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने एक आकृति बनाई TPQ। देखिए T बिंदु कहां पर है, इस M रेखा पर है, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में, और इसी आधार PQ पर यह एक त्रिभुज TPQ बना। और इसी प्रकार से हमने एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी बनाया, यह भी समांतर रेखाओं एम और एल के बीच में है और इसी आधार इसी बेस पी क्यू पर है। इसी प्रकार से हमने एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू एक्स टी बनाया, देखिए ये वाला पी क्यू एक्स टी बनाया, यह भी इन्हीं समांतर रेखाओं M और L पर के बीच में है, और साथ के साथ बच्चों इनका भी जो आधार है वह PQ है। और हमने एक आयत भी बनाया PQKJ, और यह आयत भी समांतर रेखाओं M और L के मध्य में है, और इसका भी जो बेस है वह PQ है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम ये समझना चाहते थे कि किस प्रकार से एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हम आकृतियों को बना सकते हैं। धन्यवाद।